भी कल हम लोगों ने देखा था कि मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स कौन कौन से है। पहला है यंग्स मॉड्यूलस, जिसको हम वाई बोलते हैं, सिग्मा एल अपन एप्सिलॉन एल, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। सिग्मा एल को हम क्या बोलते हैं, एफ बाई ए, और एप्सिलॉन एल को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एल बाई एल। तो हमको मिला था एफ एल अपन ए डेल्टा एल। दूसरा हमें मिला था बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस को हम बी बोलते थे, सिग्मा वी बाई एप्सिलॉन वी। सिग्मा वी हमारे पास पी था, एप्सिलॉन वी हमारे पास माइनस डेल्टा वी बाई वी था, तो हम उसको बोलते थे माइनस पी वी अपन डेल्टा वी। तीसरा हमारे पास था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम इटा से रिप्रेजेंट करते थे, शियर स्ट्रेस अपन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस मतलब क्या, टेंजेंशियल फोर्स अपन एरिया, और शियर स्ट्रेन मतलब था एक्स बाई एच इज इक्वल टू एफ टी इंटू एच डिवाइडेड बाई एक्स इंटू ए। ये हमारे पास तीन प्रकार के मॉड्यूलेशन इंडेक्स थे। अब बारी आती है पॉइसन्स रेशियो, और पॉइसन्स रेशियो समझने के लिए हमें सोचना पड़ेगा लेटरल मैग्निफिकेशन। तो हमारे पास अब जो टॉपिक आता है वो है पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन रेशियो को मैं म्यू से रिप्रेजेंट करता हूं। किससे रिप्रेजेंट करता हूं पॉइसन्स रेशियो के, मैं म्यू से। ध्यान से सुनना, ब्लर है पूरी स्क्रीन। ध्यान से सुनना, पॉइसन रेशियो इज द रेशियो बिटवीन द लेटरल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। समझना ध्यान से। मुझे ऐसा पता है, सी इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। मैं ऐसा समझ सकता हूं कि सपोज कि मेरे पास एक रॉड है जिसका लेंथ L है। अब इस रॉड को मैं अगर यहां से फोर्स ऐसे अप्लाई करता हूं और यहां से वो फोर्स ऐसे अप्लाई करता हूं कि इस रॉड की चेंज लेंथ में डेल्टा L जितना चेंज आएगा कि नहीं आएगा, तो जब ये डेल्टा एल जितना लेंथ इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है, इसमें इंक्रीज हुआ, या तो इसमें क्या होगा, अगर ऐसे में फोर्स अप्लाई करूंगा तो डेल्टा एल जितना डिक्रीज होगा, इसमें डेल्टा एल जितना इंक्रीज हुआ। जब ये डेल्टा एल जितना लेंथ इंक्रीज हुआ तब उसका जो लेटरल डायमेंशन था, लेटरल डायमेंशन मतलब जो उसकी थिकनेस थी, रेडियस था उसका, वो घटा, और जब उसको मैंने दबाया तो उसका रेडियस क्या हुआ, बढ़ा। क्या मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है?
तो लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन मतलब क्या? सपोज को उसका डायमीटर ले लो तो डेल्टा डी बाय डी, और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब क्या? डेल्टा एल बाय एल। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन के बीच का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइसन्स रेशियो। क्या बोलते हैं उसको हम? पॉइसन्स रेशियो बोलते हैं। समझना ध्यान से। यहां पे क्या हुआ? एल प्लस डेल्टा एल हुआ, यहां पे एल माइनस डेल्टा एल हुआ। जब एल प्लस डेल्टा एल हुआ तब उसका डायमीटर घटा, डायमीटर घटा तो उसका रेडियस भी घटा, लेकिन जब एल माइनस एल हुआ तब उसका डायमीटर बढ़ा, डायमीटर बढ़ा तो उसका रेडियस भी। तो लेटरल स्ट्रेन, लेटरल मतलब समझ में आ रहा है? सी, मैं अगर इसको खींचूंगा तो उसकी थिकनेस कम होगी, मैं अगर उसको दबाऊंगा तो इसकी थिकनेस क्या होगी? बढ़ेगी थोड़ा सा। तो लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइसन्स रेशियो। तो मैं यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन को अगर सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाऊ तो डेल्टा डी अपन डी इज इक्वल टू म्यू इंटू डेल्टा एल अपन एल, डेल्टा डी अपन डी इज इक्वल टू म्यू अपन डेल्टा एल अपन। अब ध्यान से सुनो, यहां पे साइन ली जाती है माइनस। क्यों माइनस ली जाती? हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट दैट चेंज इन लॉन्जिट्यूडिनल डायमेंशन एंड लेटरल डायमेंशन आर ऑपोजिट टू ईच अदर। समझ में आ रहा है? यहां पे नेगेटिव साइन क्यों ली जाती है ये लिखना पड़ेगा, ये अगर नहीं लिखोगे तो मार्क आधा कट जाएगा। यहां पे हम लोग नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये नेगेटिव साइन ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि ये जो लेटरल डायमेंशन में जो चेंज हुआ था और ये जो लॉन्जिट्यूडिनल डायमेंशन में जो चेंज है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। सीधी सी बात है कि अगर ये लॉन्जिट्यूडिनल बढ़ा तो लेटरल घटा, अगर ये लॉन्जिट्यूडिनल घटा तो लेटरल बढ़ा। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर में है, इसलिए हम यहाँ पे क्या इंडिकेट करते हैं? माइनस साइन। या तो यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट करती है? कि दोनों चेंज ऑपोजिट है इन एक दूसरे से। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसको डायमीटर के फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो मैं डायमीटर के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, अगर मैं इसको रेडियस के फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो मैं रेडियस के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं रेडियस के फॉर्मेट? डेल्टा डी बाय कैपिटल डी डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेल्टा आर बाय कैपिटल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इफ ऑब्जेक्ट इज रॉड एंड लेटरल शेप इज
रिक्टेंगुलर, कौन सा शेप है? रिक्टेंगुलर है, तो उसकी जो थिकनेस है, क्या है उसकी थिकनेस जो है, सपोज कि उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा बी बाई बी इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल्टा एल बाई एल। क्या आएगा उसकी डेल्टा बी बाई बी, या कुछ भी लिख सकते हो, डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा बी बाई बी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोलो समझ में आया? तो ये यंग मॉड्यूलस, ये बल्क मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों तीन आपको पता है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसको हम पॉइसन्स रेशियो बोलते हैं, कि हम अगर किसी, ये जो रॉड है उसका अगर हम लेंथ में चेंज करते हैं, या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं, बढ़ाते हैं तो उसके लेटरल डायमेंशन घटेगा, और अगर उसकी लेंथ घटाते हैं तो उसका लेटरल डायमेंशन बढ़ेगा, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कौन सा रेशियो डिफाइन किया है, पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन रेशियो मतलब लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। पॉइसन रेशियो लेटरल स्ट्रेन मतलब उसकी जो डायामीटर है, वो डायामीटर अगर सर्कुलर पोर्शन है तो डायामीटर आएगा, अगर रेक्टेंगुलर पोर्शन है तो उसकी थिकनेस आएगी। समझ में आ रहा है? तो डेल्टा डी अपन डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपन एल, तो कैपिटल डेल्टा डी अपन डी को मैं अगर सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाऊंगा तो माइनस म्यू डेल्टा एल बाई एल, वेयर माइनस एन रिप्रेजेंटिंग दी ऑपोजिट नेचर ऑफ चेंज। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइसन्स रेशियो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इतना हो जाने के बाद एक बहुत ही बढ़िया सी दो मार्क में थियरी आती है, दो मार्क में एक थियरी आती है फॉर सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। याद रखना, एक सिलेंडर ले लिया जिसकी लेंथ एल है, जिसका रेडियस आर है। फॉर सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट हमको वॉल्यूम में चेंज ढूंढना है। किसमें चेंज ढूंढना है हमको? वॉल्यूम में चेंज। तो फॉर सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट डिस्कस अबाउट चेंज इन वॉल्यूम by applying longitudinal strain. चल consider a cylindrical object having length L एंड रेडियस आर। मैंने एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जिसकी लेंथ एल है और रेडियस आर है। ओके, तो ये एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट मैंने कंसिडर किया जिसकी लेंथ क्या है? एल है, और जिसका रेडियस क्या है? आर है। वॉल्यूम ऑफ दिस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, बोलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एल। क्या ये सही है कि गलत है? रियलिटी में वॉल्यूम मतलब क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, बराबर है? इसका एरिया क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एल। क्या मैं जो बोला वो सही है? नाउ चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या हुआ? डेल्टा वी बटे वी इज इक्वल टू, समझना ध्यान से,
चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी बटे वी इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे? बोलो, पाई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, आर स्क्वायर का क्या होगा? टू आर स्क्वायर का क्या होगा बोलो जल्दी से? टू बाहर निकल जाएगा, आर का होगा डेल्टा आर बाई आर प्लस एल, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा एल बाई एल। क्या मैं जो बोला वो समझ में आया? फिर से डेल्टा वी बटे वी, याद करो हम यूनिट एंड डायमेंशन में करते थे, याद करो एक्स इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर होता था तो हम क्या करते थे? डेल्टा एक्स बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस टू आगे आ जाता था, और डेल्टा बी बाई बी क्या करते थे कि नहीं करते थे? यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। बोलो पाई कॉन्स्टेंट है तो पाई का डिफ्रेंसिएशन जीरो होगा, आर स्क्वायर है तो टू बाहर आ जाएगा, ये क्या होगा? डेल्टा आर बाई आर प्लस एल का क्या होगा? डेल्टा एल बाई एल। ये स्टेप समझ में आना चाहिए, ये यूनिट एंड डायमेंशन में हम करते थे। अब यहाँ पे देखो, बट डेल्टा आर बाई आर क्या है? माइनस म्यू इंटू डेल्टा एल बाई एल, हमने आगे ही देखा। डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू डेल्टा एल बाई एल, सो डेल्टा वी बटे वी इज इक्वल टू इंटू डेल्टा वी बटे वी इज इक्वल टू इंटू डेल्टा आर अपन आर है, डेल्टा आर अपन आर की जगह पे लिखेंगे माइनस म्यू डेल्टा एल बाई एल प्लस ये डेल्टा एल बाई एल तो है, सो डेल्टा वी बटे वी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल कॉमन निकाल दो तो ये माइनस टू म्यू प्लस वन आ जाएगा, तो डेल्टा बी बटे वी इज इक्वल टू डेल्टा एल बटे एल इंटू वन माइनस टू म्यू। बट लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एल अपन एल, सो डेल्टा वी अपन वी इज इक्वल एप्सिलॉन एल इंटू वन माइनस टू यू। अब ध्यान से सुनो, डेल्टा वी इफ डेल्टा वी इज ग्रेटर देन जीरो, अगर डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो है, वी तो ग्रेटर देन जीरो है, तो एलएचएस पूरा क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर एलएचएस को पॉजिटिव चाहिए, दैट इज एल डेल्टा वी बटे वी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एल एच एस ऑफ अबोव इक्वेशन, एल एच एस ऑफ अबोव इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर एल एच एस आपको पॉजिटिव चाहिए, दैट इज आर एच एस एप्सिलॉन एल इंटू वन माइनस टू म्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव चाहिए तो वन माइनस टू म्यू मस्ट बी पॉजिटिव, और अगर वन माइनस टू म्यू मस्ट बी पॉजिटिव चाहिए तो वन ग्रेटर देन टू म्यू, इसका मतलब ये हुआ कि टू म्यू लेस देन वन, इसका मतलब ये हुआ कि म्यू लेस देन वन बाई टू। क्या मैं जो बोला वो समझ में आया? सर आवाज नहीं आ रही। समझ लो ध्यान से, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से समझो। दो मार्क में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है,
फॉर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट डिस्कस अबाउट द चेंज इन वॉल्यूम बाय अप्लाइंग लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। मैंने इसको अगर ऐसे खींचा मतलब उसकी लेंथ में चेंज किया तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा? सीधी सी बात है, इसको ऐसे खींचूंगा तो इसका थिकनेस घटेगा। तो मैंने इसका वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, क्योंकि सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। अब मैंने चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है, उसका जीरो हो जाएगा। आर स्क्वायर मतलब टू इंटू डेल्टा आर बाई आर, प्लस मल्टीप्लीकेशन में प्लस आता है, याद करो मल्टीप्लीकेशन में भी प्लस आता था, डिविजन में भी प्लस आता था, माइनस में भी प्लस आता था, सब में प्लस आता था, याद है? तो यहाँ पे डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब टू इंटू डेल्टा आर बाई आर प्लस एल का डेल्टा एल बाई एल। लेकिन मुझे पता था कि डेल्टा आर बाय आर क्या होता है, माइनस म्यू इनटू डेल्टा एल बाय एल होता है। तो मैंने डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू का टू, डेल्टा आर बाय आर की जगह पे मैंने माइनस म्यू इनटू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा एल बाय एल लिखा, डेल्टा एल बाय एल कॉमन निकला और ये आ गया वन माइनस टू म्यू। मैंने डेल्टा एल बाय एल को एप्सिलॉन एल लिखा। अब मेन बात है कि अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है, डेल्टा वी अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा वी बाई वी भी पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव होता नहीं। अच्छा, अगर एलएचएस पॉजिटिव है तो आरएचएस को भी क्या रहना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो आरएचएस मेरे पास क्या है, एप्सिलॉन एल इंटू वन माइनस टू म्यू मस्ट बी पॉजिटिव। अगर एप्सिलॉन एल इंटू वन माइनस टू म्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि वन माइनस टू म्यू ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो। अगर 1 माइनस टू म्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्रेटर देन टू म्यू होगा, और अगर 1 ग्रेटर देन टू म्यू है तो टू म्यू लेस देन क्या होगा, 1 होगा। तो म्यू लेस देन 1 बाई टू, इसका मतलब ये है कि म्यू की वैल्यू कभी भी 1/2 मतलब कि 0.5 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? म्यू की वैल्यू कभी भी क्या हो सकती है 1/2 से ज्यादा? म्यू की वैल्यू कभी भी, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, थियरी है, और ये मोस्ट एम्पी पॉइंट है। ये आपको बीएसक्यू में एमसीक्यू में कभी भी पूछा जा सकता है कि म्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो कभी भी 1/2 को या तो 0.5 को कैच कर पाएगी नहीं। क्या मैं जो बोला वो समझ में आया? क्लियर हो रहा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दो मार्क में पूछी जाने वाली सबसे बढ़िया थियरी। चलो इसके ऊपर से एक छोटा सा केस समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसके ऊपर से ही एक छोटा सा केस है, ध्यान से समझना। ऐसा बोला है, यही केस है, और ऐसा बोला है कि वॉल्यूम एंड लेंथ का जो रेशियो है, किसका, समझ दर्जन से, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन लेंथ जो है, इसके ऊपर से ही मैं आपको इक्वेशन डिराइव करवाऊंगा। ये जो आपने इक्वेशन लिखा, डेल्टा वी बटे वी इज इक्वल टू डेल्टा एल बटे एल इंटू वन माइनस टू म्यू, इक्वेशन आपने लिखा, बस यही इक्वेशन को मैं आगे अगर करने जाऊं, वॉल्यूम वी इज इक्वल टू क्या एरिया इंटू लेंथ होगा? बिल्कुल होगा। सो डेल्टा वी बटे एरिया इंटू लेंथ
इज इक्वल टू डेल्टा एल बटे एल इंटू वन माइनस टू म्यू मैं लिख सकता हूं। एल एल क्या हो गए, कट हो गए, तो मुझे एक नया इक्वेशन मिला, डेल्टा वी अपन एरिया इज इक्वल टू डेल्टा एल इंटू वन माइनस टू म्यू। तो आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस टू म्यू प्रूफ करो, तो क्या आप कर सकते हो? क्वेश्चन वही का वही था, यहां तक पूछा जाए तो यहां तक लिखने का, लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा जाए या तो आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाए और उसमें वॉल्यूम नहीं दिया, वॉल्यूम नहीं दिया, तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हो, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एरिया इनटू वन माइनस टू म्यू, वेयर म्यू इज पॉइसन्स रेशियो। वेल ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? तो मेजोरिटी थियरी इस चैप्टर की सिर्फ अभी एनर्जी की थियरी डिराइव करना बाकी है, और फिर हम लोग थोड़ा सा ब्रिज कैसे बनता है, उसके पिलर कैसे बनते हैं वो डिस्कस करेंगे बाद में। सिर्फ इस चैप्टर के एक्सरसाइज एग्जांपल रहते हैं, बाकी थियरी में कुछ है नहीं। तो ये चैप्टर 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ओके, और बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की ओर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।